बोल रही है पर दिस इज अ सरप्राइज पर तू वो कहाँ गई थी घूमी घूमी। एक बार डॉक्टर को फोटो खींच के भेजे इसकी, इसको ऐसे रखा इस पे, ये को देख के दर्द हो रहा है मम्मा को, कैसे बताएगा ये, बहुत ज्यादा कटता है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ये वाली क्रीम लगाओ थ्राइस अ डे, चीकू टूट जाएगा ऐसे नहीं चलाते। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज गए रात के 12 और एज यूजुअल मैं और पायल जाग रहे हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो अभी जाग रहे हैं। दो बच्चे सो रहे हैं, अयान और जैद सो रहे हैं बट तूबा जाग रही है। तो गाइस आप लोग हमें इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मुझे ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि काफी दिन से अपने बच्चों को रोमपर नहीं पहनाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने जैद को आज रोमपर पहनाया, साथ ही साथ तूबा को भी पहना रही हूं अभी रोमपर, पायल पहना रही रेडी कर रही है। तो देखती हूं कोई क्यूट सा रोमपर निकालती हूं तूबा के लिए। तो गाइस इनकी जो नई टोकरी है ना इसमें रखे हैं रोमपर्स, बच्चों के रोमपर्स। तूबा गुड मॉर्निंग, अब अभी उठी हो तो आपकी मॉर्निंग अभी हो गई है। कोई बोल रही है पायल, चुबा तेरी चोटी बना दूं छोटी, चार पांच चोटी बना दूं बालों में। इसके बाल बिल्कुल मेरे जैसे होंगे गाइस, इसके बाल ऐसे रुए जैसे होते हैं ना, रेशम, रुआ क्या होता है, मतलब थिकनेस बिल्कुल नहीं है इसके बालों, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम नहीं थिकनेस। अच्छा पतला बाल है, मोटे नहीं है। हाँ हाँ जी आओ, क्या होता है आओ, ओहो पूरी मुंडी पूरी नेक नाखून है। इसके नाखून काट रहे, जब से ये पैदा हुई ना गाइस मैंने इसके नाखून एक बार भी नहीं काटे, पर अब लग रहा है कि इसके नाखून काटने पड़ेंगे, वो तीखे हैं। मैंने अपने सारे नाखून काट दिए, पैरों के भी हाथों के भी। क्या कर रही गोलू अब, वो एक नाखून ना ये देखिए निकल रहा था। अच्छा ये ना इसके नाखून आते टूट जाते हैं ना, बच्चों के नाखून पर कम पतले होते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि बच्चों के 4 महीने तक ना नाखून मतलब नेल्स नहीं कट करने चाहिए। जैद के नेल्स इसलिए इतने बड़े हो रहे हैं, पता है क्यों हो रहे हैं, कि हमने उस पर नेल कटर यूज कर दिया, तो उसके जो नेल्स है ना वो जल्दी आ रहे हैं। अब क्या है अयान और तूबा के भी है नहीं नेल्स, तो वो हाथ से ही निकल जाते हैं। दिस इज अ सरप्राइज पर, पहले सिर्फ ये जगह क्योंकि देख मैं बताती हूं, अब ये भी जल गया और ये भी जल गया, मैं बताती हूं सरप्राइज क्यों है। क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि मैं सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है, मैं गई नहीं थी। हाँ। मैं सोने जा रही हूँ, इनको पता चल गया होगा ना यार, आज ये लोग ना नींद नहीं पूरी कर रहे हैं, तीनों के जन्मदिन तीनों मंदिर देखिए जरा, तीनों का और देख और देख, वैसे भी ऐसे सही लगी है ना, बड़ा छोटा सबसे छोटा, हम बड़ी लाते चलाने लग गए, तू छोटा बोला ना, नहीं नहीं बिल्कुल छोटा बोलो ना, अच्छा बिग बिग गर्ल बिग गर्ल बिग बॉय बिग बॉय ये बिग वाला बिग बॉय। तूबा कहाँ गई थी घूमी, अयान भी गया था। अच्छा हाँ जैद आप भी गए थे। अच्छा तो गोलू एक साथ तीनों बच्चों को सच में गई थी, वो आप भी गई थी और आप भी गई थी, सारे बच्चे घूमने गए थे। चलो हम तीनों चले घूमने, चले तू बस सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है पहले तू बाहर आ जाओ जल्दी, आओ खुश आओ जल्दी, नानू आप आ जाओ जैद आप आ जाओ, ठीक है ओके हाँ ये तो है। वैसे गाइस देखा जाए तो देखो जैद 20 डेज बड़ा है, अयान और तूबा में 1 मिनट का फर्क है, ठीक है तो छोटे एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा टाइम, बट क्लास इनकी एक ही होगी। जब हम ये चीज सोच रहे थे जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो तीनों अपनी बातें बताएंगे, मम्मा इसने क्लास में ये किया, मम्मा उसने ये किया, मम्मा इसने ये किया, तो फुल लड़ाई करेंगे। इनकी लड़ाई पर ज्यादातर किसकी होगी लड़ाई है, तूबा के लिए तो अलग सी चीज आएगी जैसे प्रिंसेस वाली पिंक कलर की, इन दोनों के लिए हमें सेम लेके आना पड़ेगा, जैसे ब्लू टिफिन तो दो, और ये कहेगी मैं ये देख ब्लू कलर हो रही है, ये देखो लात मार रही है, ब्लू के लिए बोल रही पिंक चाहिए। अच्छा गर्ल रात के बज गए हैं 1 और बस मेरा और पायल का हो गया दवाई टाइम, मैं धीरे से बोल रही थी वहाँ पे चीकू भी सो रहा है। तो गाइस बस मैं और पायल भी ना सो जाते हैं क्योंकि क्या है कि ना बच्चे साथ में सोए हैं तो साथ में ही उठेंगे, और मेरे हिसाब से पायल 3 से 4 बजे के बीच उठ जाएंगी। जब बच्चे उठते हैं ना तब मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी सुबह हो चुकी है, अभी बज चुके हैं 12:30 और मैं उठ चुकी हूँ, गोलू चीकू के पापा सब चले गए हैं जिम करने, और यहाँ पे अभी जो है जैद उठ चुका है, बाकी दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो आज लंच के लिए शाही पनीर, और शाही पनीर की रेसिपी ना मैं देना भूल गई आपको, मैंने एक बहुत अच्छी रेसिपी निकाली थी, उस रेसिपी से ये शाही पनीर बनी है, अगली बार जब भी बनेगी ना मैं आपको रेसिपी जरूर दूंगी। तो गाइस दोपहर के बज गए हैं 2:30 और 10, मैं अभी शावर लेकर आई हूँ क्योंकि आज मैं गई थी जिम में वर्कआउट करने के लिए, और बहुत ही अच्छा वर्कआउट रहा। मैं 10:00 उठी थी मॉर्निंग में और 11:00 से 1:00 तक, मतलब की 2 घंटे मैंने वर्कआउट करा, बहुत ही मजा आया। आज मैंने मिक्स वर्कआउट किया था, सारी एक्सरसाइज करी और मैंने बिल्कुल भी ना वेट नहीं उठाया, जितना मिनिमम वेट वो मेरी बॉडी मतलब कि जितना अलाउ करती है उतना ही मैंने वेट उठाया। और जिम से आने के बाद ना मैंने प्रोटीन लिया, साथ में मैंने 1 चपाती सैलेड और साथ में पायल ने ना पनीर की सब्जी बनवाई थी तो वो खाई। तो गाइस तीनों बच्चों ने अपनी मालिश करवा ली, नहा भी लिया, तो अयान और तूबा दोनों सो गए हैं, जैद मुझे देख रहा है तो जैद को मैं सुला देती हूँ। हां जी मैं वेती का देख ली थी, ये बहुत नींद में है तो पहले इसको सुला देती हूँ। नींद नहीं आई आपको?
तो गाइस बस अभी मैंने काम करी है, जैद को सुला दिया क्योंकि जैद सो नहीं रहा था, तो मैं बस उसको सुला कर आई हूँ। साथ ही साथ ना बस बाहर जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े नीचे भी रखे हुए और मशीन के अंदर भी कपड़े हैं, तो मैं मशीन लगा देती हूँ। और गाइस आज ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई जैद के साथ, जैद की जो नेक है ना वो ना ऐसे रखता है, पूरे अंदर की तरफ रखता है, तो यहाँ पर ना यहाँ से लेके यहाँ तक ना उसको कट पड़ गया है। मैंने नारियल का तेल है वो लगाया है, जब मैं नारियल का तेल लगा रही थी ना तो रो रहा था उसको, मतलब कि ना तकलीफ हो रही होगी क्योंकि मेरी उंगली लगी है। वैसे तो नारियल के तेल से कभी भी बच्चों को दर्द नहीं होता, कभी जैद को तूबायान को रैशेज भी हो जाते हैं ना, तब भी मैं उनको नारियल का तेल लगाती हूँ एवरी टाइम। ना जब भी हम डायपर उनका चेंज करते हैं ना तो पहले नारियल का तेल लगाते हैं फिर डायपर पहनाते हैं, तो उसको यहाँ पे ऐसे कट सा पड़ गया। और नेक ऐसे रखता है तो ना क्या होता है, जो अयान है ना अपनी नेक उठा लेता है, पर तूबा और जो जैद है ना दोनों अपनी नेक नहीं उठाते, तो हल्का हल्का ना तूबा के भी हो रहा है पर बहुत ज्यादा जैद की हो गया। तो अभी मैं थोड़ी देर में जब जैद उठता है ना तो दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा कट गई, तो ब्लड आ रहा है ये देखना, ब्लड आ रहा है। डॉक्टर एक बार डॉक्टर को फोटो खींच के भेजे इसकी, है कि कौन सी क्रीम लगा, कौन सी क्रीम लगानी है, क्योंकि मैंने तो नारियल का तेल लगाया। एक तो क्या ना गाइस, ये ना अपने गर्दन हमेशा ऐसे रखता है, इसको चाहे ऐसे ले लो ऐसे ले लो, चाहे सुला लो, ये देखो अभी भी गर्दन इसकी ऐसे ही है जोड़ के, ये अपने गर्दन को बिल्कुल भी हवा नहीं देता, तो यहाँ पे ना इसके कट का निशान कट आ गया है, ठीक ही नहीं होगा ये। इसके ना बोलो ऐसा कर, इसको ना जैसे तकिए पे ना कुछ जुगाड़ करते, कैसे करेगी तू, चल चल ऐसे सुला देख, ऐसे थोड़ी इसकी ये रहेगी, है ना, बहुत ज्यादा कट सा हो। इसको देख के मुझे दर्द हो रहा है, इसको ऐसे रख इस पे, इसको देख के दर्द हो रहा है मम्मा को। हाँ तो बाकी कम है लेकिन इसके ज्यादा है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते आप अपना, मम्मा नहीं देखती तो पता भी नहीं चलता, बताता भी तो नहीं है, कैसे बताएगा ये, बहुत ज्यादा कट है यार। जैद बेटा कहाँ से कट लगवा लिया ये आपने, कैसे कटवा लिया है, नारियल तेल दियो, इसने आंख में मार ली, देख आंख नहीं खुल रही, देख लाल हो गया आंख। हाँ ये क्या करता है, ऐसे मत कर सोने, क्या कर रही, तो अपने आप को चोटी मार रही इतनी है। जो ना जैद का काला धागा है ना वो भी पहले छोटा था तो धागा सही आता था, धागा भी छोटा हो गया, धागा इसको यहाँ पे आता है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना काम करूंगी, अभी सो रहा है वो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा था, मेरे से तो हैंडल ही नहीं हुआ, पायल ने भी जैद को सुलाया है, तो मैं सोच रही हूँ काम करूंगी, काला धागा मेरे पास रखा हुआ है, क्योंकि हमारे में ना क्या होता है बच्चों को चवन्नी पहनाना ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बिना चवन्नी के ना बच्चे डरते हैं, तो मैं इसकी जो चवन्नी है ना वो दूसरे वाले धागे में डाल के लंबा कर दूंगी धागा यहाँ तक, ताकि इसके गले में ना रगड़े ना धागा, और साथ ही साथ में तूबा के साथ भी देख लूंगी उसकी नेक, अगर उसको छोटा और होगा ना उसका भी कर दूंगी। तो गाइस यहाँ पर ना मेरे तीनों बच्चे रेडी हो गए हैं, दोनों बच्चों ने नए नए कपड़े पहने हैं, तूबा ने भी नए कपड़े पहने हैं, तो तूबा इतनी दूर दूर क्यों है मम्मा से, तो मम्मा जाएगी तूबा के पास, तूबा मेरा बाबू। तो भाई सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो टास्क होता है ना वो ये होता है, जब तीनों बच्चे ना साथ में रोते हैं तो समझ नहीं आता बच्चों को कैसे चुप कराऊं, एक एक करके रोए ना, तो मैंने तीनों बच्चों को ना अच्छे से ना फीड करवा दिया, और मैं बस वेट कर रही हूँ कि बच्चों को एक एक करके सुलाती हूँ, और 6 बजे से बच्चों के साथ लगी हुई थी, तो 1 घंटा कब होता है ना, मतलब 7 कब बज गए पता ही नहीं चला। तो गाइस यहाँ ना आपको सारी की सारी ना शीट की शीट दिखी होगी, क्योंकि बच्चों को डायपर नहीं पहनाए हुए थे सुबह से, मैंने सोचा चल डायपर रहन देती हूँ, पर अब बच्चों को मैंने रेडी करके ना डायपर पहना दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डायपर, अगर डायपर नहीं पहनाऊंगी ना तो बच्चों की जो नींद है ना बार बार खुल जाती है और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और चिड़चिड़े होने की वजह से ना वो बहुत ज्यादा रोते हैं, तो बस बच्चे ना सो जाए तीनों, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और साथ ही साथ ना चीकू को भी फोन करना है, नितिन भैया के साथ चीकू नीचे स्टूडियो में है, गेम खेल रहा है, मैंने उसका जो स्पेक्स है ना उसकी गेम के लिए बनवाए अलग से, तो वो मैंने भिजवा दिए थे, अब मैं उसको भी बुला लेती हूँ, उसको भी डिनर करवा देती हूँ और उसको भी सुला देती हूँ। गाइस पायल गई है चीकू के पापा के साथ, तो अपकमिंग जो हमारे सॉन्ग्स है उसकी कॉस्ट्यूम जो है वो देखने के लिए गई है, कि कौन सी कॉस्ट्यूम पहननी है कौन सी नहीं पहननी, क्योंकि आपको पता है कि अरमान जी सबको डिसाइड करते हैं, गाने की डायरेक्शन, गाने की कॉस्ट्यूम, लोकेशन, हर चीज वही डिसाइड करते हैं, तो पायल चली गई है, और मैंने पायल को बोला कि ना हम दोनों में से एक बंदा ही जा सकता है, तो इस बार तू चली जा, नेक्स्ट टाइम कोई काम होगा ना तो फिर मैं चली जाऊंगी। अब ऐसा हो गया कि बच्चे बहुत छोटे, तो अगर हम दोनों को निकलना होगा ना तो साथ निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस मैंने डॉक्टर को कॉल करा और पूछा कि ना जैद की जो नेक है ना उस पे ऐसे निशान से पड़ गए हैं, उसका जो नेक है उस पे काफी कट्स हो गए हैं, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ये वाली क्रीम लगाओ थ्राइस अ डे, तो साथ ही साथ ना जो हमारी तूबा है ना उसकी भी नेक पे थोड़े थोड़े निशान मुझे लग रहा है स्टार्ट होने वाले हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की हो जाए ना, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी ऐसी हालत हो जैसे जैद की हो गई है, क्योंकि उसका तो ना आज थोड़ा थोड़ा ना ब्लड जैसा भी आ रहा था, तो बस अभी दोनों बच्चों को मैं क्रीम लगा रही हूँ, और दिन में 3 बार लगानी है, मैं 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू उनका ध्यान रखती हूँ और उनको ठीक कर दूंगी मैं। तो गाइज ऐसे ना सेम ना यान के साथ हुआ था, उसको बहुत सारे ना मतलब कि बहुत ज्यादा डीप रैशेस बढ़ गए थे, क्योंकि क्या हुआ था हम लोगों ने पाउडर यूज कर लिया था, पाउडर यूज नहीं करते हैं बच्चों पे, उसकी वजह से डॉक्टर ने क्रीम बताई थी बिफोर नैपी, और वो क्रीम हमने कंटिन्यू 3 दिन तक लगाई थी, 3 दिन अयान को लंगोट पहनाया था, और 3 से 4 दिन में ना मैंने और पाल ने उसे ठीक कर दिया था। बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो हमें कुछ भी हो ठीक है, हम उस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर हल्के बहुत कट भी पड़ गया कुछ भी, बट बच्चों को अगर हल्का सा भी एक भी कट भी पड़ता है ना तो दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है,
और मेरे साथ ये था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती क्योंकि घर में तीन बच्चे हैं, साथ में चीकू भी है, तो इसलिए मैं डॉक्टर को ना वीडियो कॉल पे दिखा दिया जैद की नेक, तो उन्होंने मुझे क्रीम बता दी। तो आज ना पायल ने खीर बनवाई थी, थोड़ी सी खीर मैंने पायल को बोला तू खा लियो रस्ते में ले जाइयो क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पसंद है खीर और चीकू को भी पसंद है, मुझे पसंद है, थोड़ी सी मैंने अपने लिए और चीकू के लिए रख ली, बाकी मैंने पायल को दे दी कि तू रस्ते में खा लियो। तो गाइज मैंने ना सोते सोते ना जैद और तोबा दोनों को ना क्रीम लगा दी है और पता नहीं आज ना मेरा हेडेक हो रहा है, जब से मैं जिम से आई हूँ ना तब से हेडेक हो रहा है, शायद मेरे साथ ये हुआ था, मैं जिम से आने के बाद ना हेड वॉश कर लिया था और हेड वॉश करते ही ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट ना एसी के नीचे यहाँ पे बैठ गई क्योंकि बच्चे रो रहे थे, तो बच्चों को देखने के चक्कर में ना 2 घंटे यहाँ बैठी रही और बाल गीले थे, बाल मैंने सुखाए नहीं ड्रायर से, एसी की जो हवा है ना उसने सर पकड़ लिया और तब से मैं डिस्प्रिन भी खा चुकी हूँ बट ना कोई आराम ही नहीं आ रहा, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हेड ना बहुत दर्द हो रहा है। गाइस फाइनली ना तीनों बच्चे सो गए और बस मैं अब चीकू को ना बुला के डिनर करा के सुला देती हूँ, मैं और चीकू भी साथ में सो जाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे सो गए हैं तो 2 से 3 घंटे नहीं उठेंगे, तब तक चीकू का डिनर भी हो जाएगा, उसको दूध भी दे दूंगी और उसे सुला भी दूंगी। तो गाइस यहाँ पे आ गए चीकू और मैं, थोड़ी देर देखेंगे मूवी, ओ माय गॉड हम थोड़ी देर देखेंगे मूवी, पता नहीं हमारे रिमोट को क्या हो गया, हमारा रिमोट नहीं चल रहा है, तो बस मूवी देखते देखते इसको खाना खिलाऊंगी और सुलाऊंगी, चीकू टूट जाएगा ऐसे नहीं चलाते। तो गाइस ये वाले ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।